विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। दबुधाने समा के 10वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ किस तरह से शांक्य शास्त्र का, ध्यान साधना का, समाधि मार्ग का और तपश्चर्या का प्रशिक्षण करते हैं और अंत में वो सारी इस तपश्चर्या का त्याग करते हैं। सुजाता ने दिया हुआ जो अन्न है वो ग्रहण करते हैं और तपश्चर्या का त्याग करते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सुजाता इन्होंने दिया हुआ अन्न ग्रहण करने के बाद वो जो उनका पूर्व अनुभव था उसके बारे में सोचते हैं। उसके बारे में सोचने के बाद उनको लगता है कि मेरा ये सारा प्रशिक्षण विफल हो गया है, व्यर्थ गया है। वो निश्चित रूप से वो दुखी होता है, लेकिन निराशा उनके मन को छू कर भी नहीं जाती। वो आशावादी होते हैं, इतना समय जाने के बावजूद वो आशावादी होते हैं कि नया किरण, नया मार्ग, नया प्रकाश उनको जरूर मिलेगा। और सुजाता इनका खाना ग्रहण करने के बाद वो जब सोते हैं, उस रात को जब सोते हैं, तब उनको नींद में 5 सपने आते हैं। दूसरे दिन वो उठने के बाद इन 5 सपनों का अर्थ ढूंढते हैं कि इन 5 सपनों का अर्थ क्या है। 5 सपनों का अर्थ उनको पता चलता है कि निश्चित रूप से उनको नया मार्ग मिलने वाला है, नया प्रकाश उनको प्राप्त होने वाला है, संबोधि वो प्राप्त करके ही रहेंगे, इस तरह का विश्वास और आशा उनको मन में आती है। तो वो सोचते हैं, चलो भविष्य के बारे में जानते हैं। तो सुजाता ने जिस कटोरी में, जिस पात्र में सिद्धार्थ को खाना दिया होता है, अन्न दिया होता है, वो सोने का पात्र लेकर सिद्धार्थ निरंजना नदी पर जाते हैं और वो खुद से कहते हैं कि अगर मुझे संबोधि प्राप्त होने वाली है, नया प्रकाश अगर मुझे मिलने वाला है, तो ये कटोरी ये प्रवाह के ऊपरी दिशा में जाए और अगर मुझे ये संबोधि प्राप्त नहीं होगी तो ये कटोरी यहीं पर डूब जाए। तो ये जो कटोरी, जैसे ही वो पानी में डालते हैं, ये कटोरी प्रवाह के ऊपरी दिशा में जाती है और जहाँ पर काल नाम के नाग राजा का घर होता है, वास्तु होती है, वो वहाँ पर जाके डूब जाती है। तो वो सिद्धार्थ ये सारा देखने के बाद वो निश्चित हो जाते हैं कि किसी भी तरह उनको ये संबोधि प्राप्त होने ही वाली है। मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। ये कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि जो असित मुनि के भविष्य के बारे में, ब्राह्मणों के भविष्य के बारे में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज थे। मैं इस भविष्यवाणी का, सपने का, ये सारा अर्थ जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस पन्ने पर लिखा हुआ है, जब तक वो पन्ना नहीं आता मैं सोच रहा था कि वो वहीं पर बताया जाए, लेकिन मैं उस पन्ने का थोड़ा सा भाग यहाँ पर बता देना चाहता हूँ ताकि फिर से आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन ना हो। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के दिलों में थोड़ी सी शंका हो जाती है ये सारा सुनने के बाद कि असित मुनि को कैसे पता चला, उन ब्राह्मणों को कैसे पता चला और फिर वो अपने माँ यानी सिद्धार्थ के माँ के देत के बारे में क्यों जान नहीं पाए। तो ये सारा मैं आप लोगों को, बाबा साहब ने एक चैप्टर इसमें लिखा हुआ है, वो बताना चाहता हूँ। बाबा साहब लिखते हैं कि सिद्धार्थ के समय में कोई लिखने की कला उस समय विकसित नहीं हुई थी। कोई पेन नहीं था, कोई पेंसिल नहीं था, कोई पेपर नहीं था, तो उस समय लिखने की कोई कला विकसित नहीं हुई थी। और बुद्ध के समय में बुद्ध ने जितनी भी प्रवचन दी है, धम्म देशनाएं दी है, ये अधिकतर ये भिक्कुओं को दी है। और इसलिए उस समय भिक्कुओं का ये काम हुआ करता था कि तथागत बुद्ध ने दी हुई ये जो देशना है उसको रटना पड़ता था, पाठ करना पड़ता था, याद रखना पड़ता था। तो इस तरह से भिक्कु याद रखा करते थे। खुद तथागत बुद्ध ने एक समय में भिक्कुओं से कहा कि जो शिक्षा वो बोल रहे हैं वो तथागत बुद्ध ने कभी भी दी नहीं थी। तो गलत तरीके से बुद्ध के समय में भी ये इस तरह का प्रचार चल रहा था। तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा है कि कौन सी बात बुद्ध की है और कौन सी बात बुद्ध की नहीं है, कौन सी बुद्ध वचन है और कौन सी ब्राह्मण वचन है, इसका जानने का एक निकष लगाना चाहिए। जो बातें हमारी बुद्धि को संगत लगती है, बुद्धि को हम लोगों को जचती है, वही बात बुद्ध की है। जो बात तर्क के संगत है वही बात बुद्ध की है। बाकी जो हम लोगों को लगता है कि बुद्धि को लगता है कि यह सही नहीं हो सकता, वो बात ब्राह्मणों की है। जो तर्क के आधार पर खरा नहीं उतरता वो बात बुद्ध की नहीं है। और बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में ही कहा है कि ये जो मैं बुद्ध है निस्धम्मा, ये ग्रंथ जो लिख रहा हूं, ये मेरा इसमें कोई
लिटरेचर में और जो टेक्स्ट है इसमें उनका मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही योगदान है कि इसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो मेरा है, बाकी का ये सारा, ये जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, ये सारा त्रिपिटक और अट्ठगाथा में से बाबा साहब ने लिया हुआ है। त्रिपिटक ये और अट्ठगाथा ये समुन्दर जैसा विशाल है, ये किसी भी आम इंसान को पढ़ पाना, उसकी एक जीवन में पढ़ पाना मुश्किल है, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस छोटी सी किताब में, ये बुद्धानिस धम्मा 550 की ये किताब बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखी। और इसी माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि उस समय से ही घुसपैठ, जब ये त्रिपिटक लिखा गया, प्रथम संगिनी बैठी गई, तब वो पार्ट भी, वो चैप्टर भी इसमें है, तो वो जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे बुद्धानिस धम्मा में वैसे वैसे वो आप लोगों को क्लियर होती रहेगी। मैं ये आखिरी चैप्टर का पार्ट मैं अभी बीच में इसलिए बता रहा हूँ ताकि फिर से आप लोगों के दिलों में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सिद्धार्थ ने अपने ही भविष्य को देखा कि वो संबोधि को प्राप्त करेंगे, प्रज्ञा को प्राप्त करेंगे, नए प्रकाश को ढूंढेंगे, तो वो सज्ज हो गए और फिर उन्होंने उरुवेला को छोड़ा और गया आए। गया आने के बाद उन्होंने पीपल का एक वृक्ष देखा, एकांत का जगह वहां पर देखी और एक पीपल के वृक्ष के नीचे चारों दिशाओं का अभ्यास करके उन्होंने पूर्व दिशा में बैठकर उन्होंने इस ध्यान साधना को का प्रशिक्षण करना शुरू किया। जब सिद्धार्थ ये सारा ध्यान साधना के लिए बैठे, तब वही के जो राजा थे, काल नाम के नागों के जो राजा थे और उनकी जो पत्नी थी सुवर्ण प्रभा, इन्होंने देखा, इनको दृष्टांत हुआ कि सिद्धार्थ गौतम यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान साधना कर रहे हैं, और वो निश्चित रूप से उनको ये दोनों को, पति पत्नी को दोनों को ये निश्चित हो गया कि निश्चित रूप से सिद्धार्थ गौतम ये नए पथ का आविष्कार करेंगे, उनको संबोधि प्राप्त होगी, इस तरह से उन्होंने ये इच्छा जताई, निश्चिति जताई। और फिर सिद्धार्थ सारा अपना जो ध्यान साधना के लिए वो सज्ज हो गए और वो पीपल के पेड़ के नीचे पैर फोल्ड करके, जिसको आप पद्मासन कहते हैं, पैर फोल्ड करके पीठ सीधी रख के उन्होंने अपना ये ध्यान साधना को शुरुआत कर दी।